जिस प्रकार से इस बार बिग बॉस सीजन 14 में कुछ नए चेहरे आए तो कुछ ऐसे जाने माने टीवी इंडस्ट्रीज के मशहूर सितारे थे जिनको लोग काफ़ी समय से देखते आए हैं, लेकिन उन सब में सबसे खास चेहरा बनके सबके सामने आया वो थी राधे माँ। राधे माँ सबके लिए एक ऐसा नाम बन चुकी थी क्योंकि इससे पहले सीजनों में कई ऐसे साधु बाबा आए थे जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज सामने आई थी बिग बॉस के घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो ऐसे में राधे माँ की एंट्री पर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि क्या इनके साथ भी कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आएंगी जो हमको ज़्यादा एंटरटेन करेंगी। जी हाँ दोस्तों, हमें कुछ ऐसे ही खबरें सुनने को मिली थी। बता दें दोस्तों, स्वघोषित धर्मगुरु राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर भी इस शो का हिस्सा बनने को लेकर जहाँ खबर सामने आई थी, तो ये भी खबर सामने आई थी कि राधे माँ इस बार की सबसे महंगी कंटेस्टेंट में से एक हैं। लेकिन उनके अतीत से जुड़े कुछ खुलासे करेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनसे अतीत से क्या जुड़ा हुआ ऐसा गहरा राज जो लोग इनको पसंद करते हैं, कुछ लोग इनको स्वीकार नहीं करते। लोग उनके शो में होने को लेकर कई तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, शो में उनके होने से शो के टीआरपी और मेकर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जानकारी दे दें किस प्रकार से राधे माँ का विवादों से बहुत पुराना नाता है। कुछ साल पहले उनके भक्तों में आम लोगों से लेकर कई बड़ी हस्तियों का नाम शामिल था जो उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। सिंगर दलेर मेहंदी, गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी, अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन, तो वहीं टीवी की एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन की एक्स कंटेस्टेंट डोली बिंद्रा और गायक हंसराज हंस इन सभी के मतलब राधे माँ के भक्त रह चुके हैं। जानकारी दे दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राधे माँ की भक्त रही डोली बिंद्रा ने उन पर साल 2015 में मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि राधे माँ उन्हें अपने साथ चंडीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी के घर ले गई थी। वहां उन्होंने अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन पर दबाव डाला था। उन्होंने शिकायत में पुलिस को यह भी बताया था कि राधे माँ के भक्तों ने सबके सामने उनसे दुर्व्यवहार किया। डोली बिंद्रा का आरोप यह भी था कि राधे माँ के बेटे ने उनके सामने अपने कपड़े उतार दिए थे। ये खबर सुनने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा चकित रह गए थे कि राधे माँ कुछ ऐसी हरकतें भी कर सकती हैं। तो वहीं एक और विवाद को आपको बता दें कि किस प्रकार से उनका नाम आया, जब उनके खिलाफ एक 32 वर्षीय विवाहित ने दहेज और मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस रिपोर्ट में अपने सास ससुर को भी नामजद किया था और पुलिस को बताया था कि उसके ससुराल वाले राधे माँ के भक्त हैं, लेकिन राधे माँ ने उन्हें ही दहेज मांगने और शारीरिक प्रताड़ना के लिए उकसाया था। पुलिस ने इस मामले में राधे माँ से पूछताछ की थी। राधे माँ और कई कारणों से विवादों में रही। लाल रंग के मिनी स्कर्ट में उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिस पर खूब हल्ला मचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राधे माँ अपने भक्तों को अपनी कृपा के साथ लाल गुलाब भी देती हैं। कभी वो नृत्य करती नजर आती हैं तो कभी भक्तों को आई लव यू कहती नजर आती हैं। कभी कोई भक्त नाचते नाचते उन्हें अपनी गोद में उठा लेता है। यही कुछ ऐसे विवाद हैं जो राधे माँ से काफ़ी समय से जुड़े चले आ रहे हैं। शायद इन्हीं सब विवादों को देखते हुए बिग बॉस के मेकर्स ने कुछ ऐसा फैसला लिया कि अगर टीआरपी में इजाफा लाना है तो राधे माँ की एंट्री तो जरूरी है बॉस। तो ऐसे में बिग बॉस के घर में राधे माँ की एंट्री कराई और टीआरपी जब जब आगे बढ़ेगी, जब जब इनके शो में भक्तों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।